हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एसएमएल इज़ुसु शेयर के बारे में। ये शेयर आज करीब 20% अपर सर्किट पे रहा। मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा ये 18-19% पे आ गया, बट ये ओवरऑल 20% पे था आज दिन भर। और इसके लगता है मुझे आने वाले दिनों में इसके ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, इसका लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे, शॉर्ट टर्म व्यू देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस, टारगेट, सब डिटेल देखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। देखिए, कल जब ये क्लोज हुआ था तो 495 के आसपास क्लोज हुआ था, और आज जब मार्केट ओपन हुआ तो 502, 503 के आसपास ये ओपन हुआ, और एक इसने हाई लगाया करीब 594 का, और जब मार्केट क्लोज हुआ तो 586 के आसपास ये मार्केट जो क्लोज हुआ, तो ये उस प्राइस पे ये क्लोज हो गया। तो ये काफ़ी तेज़ी से भागा है 20%। और वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, और वॉल्यूम नॉर्मली जो है ये लेवल पे रहता है, बहुत कम रहता है, आज काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसके चांसेस हैं ऊपर जाने के। तो आइए देखते हैं इसके बाकी डिटेल में। बाकी डिटेल में जाने से पहले, ये मेरे यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड WIT, जहाँ पर मैं जो वीडियोस मेरे मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक वाली वीडियोस हैं, थोड़ी लंबी वीडियोस हैं, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए इंडिकेटर स्ट्रेटेजी, उनके लिए जो लोग शॉर्ट टर्म या इंट्राडे करते हैं, आईपीएल रिलेटेड वाली वीडियो इसमें है, जनरल ट्रेडर या इन्वेस्टर कौन ज़्यादा पैसा कमाता है उस टाइप से जनरल वीडियो इसमें है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इसमें है, और स्टॉक न्यूज़ बेस वाले क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है उस टाइप से इसमें है। तो आप चाहे तो वीडियोस देख सकते हैं, और जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये था मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड WIT। आइए चलते हैं इसके थोड़े फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल में देखेंगे रिवेन्यू के टर्म्स में 2021 में 591 करोड़, उससे पहले 1154 करोड़, उससे पहले 1409 करोड़, तो लगातार उतना ही था, उसके बाद भी घटना चालू हो गया रिवेन्यू। अभी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 2021 में, देखिए -133 करोड़, उससे पहले -1221 करोड़, उससे पहले +19, तो ये उतना अच्छा नहीं था ये नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 2021 में -92, उससे पहले -14, उससे पहले +13, तो EPS का भी वही हाल है। अभी बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, प्रमोटर के पास देखिए लगातार 43.96%, मतलब 44% के आसपास है, कोई भी शेयर इनके प्लेज नहीं है। अभी FII की बात करते हैं, FII के पास देखिए 1.62% है, और उससे पहले 1.61 था, उससे पहले देखिए काफ़ी था, उन्होंने घटा दिया। DII के पास देखिए 1% है, उससे पहले 1.28, तो DII ने भी घटा दिया। पब्लिक पास देखते हैं कितना है, पब्लिक पास देखिए 53.41% है, तो पब्लिक और प्रमोटर के पास ही है मेनली। अभी देखते हैं ये शेयर में अभी हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इसके लेवल, सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है। यदि आपकी एनालिसिस अलग है या आपको लगता है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो छोटा अमाउंट या छोटा क्वांटिटी खरीदें, ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना लें। तो ये है लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू ये है कि अलग अलग लेवल्स काम करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। तो 4477 की यदि ये नीचे जाता है तो आपको निकल जाना है बेच करके, ये वीक हो जाएगा। अभी पहला टारगेट और एक रेजिस्टेंस लेवल था 530 का, उसने आज ब्रेक किया है विथ वॉल्यूम, तो आने वाले दिनों में चांसेस हैं इसके ऊपर जाने के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी जो इसका सबसे पहला टारगेट लगता है 601, जो उसके आसपास ही है अभी, और यदि ये क्रॉस करता है और यहाँ पर ये वन डे कैंडल में यदि क्लोजिंग देता है, तो इसके बाद जो है 689 जाएगा, उसके बाद 757, और उसके बाद 839। तो ये अलग अलग लेवल्स लग रहे हैं मुझे आने वाले दिन, हो सकता है पूरे लेवल्स अचीव ना करें, कुछ ही लेवल अचीव करें, बट वो डिपेंड करता है आने वाले दिनों के ऊपर। तो ये था डिटेल एनालिसिस। मैंने आपको लेवल्स बता दिए, टारगेट, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस और फाइनेंशियल और शेयर होल्डिंग पैटर्न सभी मैंने बता दिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये मेरी एनालिसिस थी, मेरी थिंकिंग थी, मेरी सोच थी, मेरा दिमाग था। आप खुद का एनालिसिस करें, खुद का दिमाग लगाएं, खुद का रिसर्च करें, उसके बाद ही पैसा लगाएं, किसी के बोलने पर ना लगाएं, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट लॉस आप ही का होगा, इसलिए सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में भी लिख सकते हैं आपके पास ये वीडियो, ये शेयर जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, या फिर आपको टारगेट लगता है अचीव होगा नहीं होगा, जो भी लगता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर मैं फ्री के इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग के कॉल देता हूँ, बिल्कुल फ्री है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक अपने यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जो भी कॉल दिए जाते हैं केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए।
इस तरीके से वीडियो में खत्म करता हूँ। यदि आप SML इज़ुसु शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये शेयर आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।